गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो भी प्रोसेस रजिस्ट्री की प्रोसेस, जो डेट्स हम घर, जिस डेट पे हमको चाबियां मिली हैं जब हम रजिस्ट्री करने के लिए गए हैं, किस डेट पे हम हमने पूजा करी है, किस डेट पे हमारा फाइनल हुआ है, हमारा लोन पास हुआ है, वो सारे डेट्स डॉक्यूमेंट करे हैं मैंने, पूरा वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये, जो कि इतने टाइम से मैंने अपने पेट में रख के रखा था, मतलब ये एडिट करके तब से रखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन दिस वीडियो एंड यस, वीडियो को एंजॉय करिए। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चेक देने के लिए, राइट? मतलब बुकिंग अमाउंट, बुकिंग हमने कल कर दिया था, टोकन अमाउंट उनको फोटो भेज दिया था, चेक में लिख दिया था। तो हम सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं, फिर वहां से भगवान के हाथ में वो चेक पकड़वाएंगे और उसके बाद फिर हम बिल्डर के पास जाएंगे वो चेक देने के लिए। सुपर एक्साइटेड। तो कभी आए थे इस क्यूट से मंदिर में, हमारे घर के जस्ट पीछे ही है, यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू जहाँ पर हमने घर परचेज किया है, वहाँ पर बिल्डर के पास जा रहे हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर होम टूर दूंगी। अभी उसमें क्या होता है ना, अभी हम देंगे, फिर लोन वोन का प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 15-20 डेज में हमको मिलेगी चाबियाँ। तो निकलती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव, चेक ले लिया ना, चेक देने जा रहे हैं, एक्साइटेड। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। सो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस ऑन द स्किन आर अ बिग प्रॉब्लम। अगर उनको टाइम से इफेक्टिवली और अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एंड समटाइम्स डिसकम्फर्ट भी कॉज होता है। वी हैव ऑल ट्राइड सम सॉल्यूशंस टू कवर देम अप, बट आवर रियल सेल्फ इज ऑलवेज कंसील्ड बिहाइंड सम फिल्टर, बट हैव नो फियर बिकॉज द डर्माको इज हियर। सो मैं दो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये है द डर्माको का 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम, 2% कोजिक एसिड फेस सीरम। नाउ आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग नाउ व्हाट इज कोजिक एसिड, कोजिक एसिड क्या होता है भाई? तो कोजिक एसिड नंबर 1 इंग्रेडिएंट है वर्ल्ड वाइड, जो डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करता है, मेलिज्मा को ट्रीट करता है एंड जो स्कार्स का अपीयरेंस होता है उसको डिक्रीज करता है। इवन इसका कंटिन्यूस यूज कैन ट्रीट द हाइपर पिगमेंटेशन एज वेल। इवन आप इसको जब रेगुलर यूज करते हैं ना, तो आपका जो स्किन टोन है उसको भी ये इवन आउट करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये, आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन को ये ट्रीट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2% कोजिक एसिड फेस सीरम की। इसकी एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, मैंने अभी अपना पूरा फेस जो है अच्छी तरीके से वॉश करके एंड ड्राई कर लिया है एंड अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी एंड मसाज करना है आपको जेंटली। आप इसको रात में ही लगाएं, लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट कर लें एंड इसको आपको डेली लगाना होता है। एंड दिन में अब आप सोचेंगे कि रात में इसको लगाना है, डे में आपको क्या करना होगा। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम। तो क्लीन एंड ड्राई फेस पे जेनरस अमाउंट ऑफ दिस क्रीम लगाना है डॉट डॉट करके एंड देन अच्छे से मसाज कर लेना है। आपको जब भी आप इसको दिन में लगा रहे हैं, आपको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। इसको एज अ AM रूटीन यूज कर सकते हैं एंड इसको एज अ PM रूटीन, तो AM PM की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट योर जर्नी विद हेल्दी स्किन दैट नीड्स नो फिल्टर एट द डर्माको.com। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट। द डर्माको के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिजाइन करे गए हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही सेफ हैं। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से व्लॉग। निकल चुके हैं फॉर आवर रजिस्ट्री एंड पहले हम लोगों को बैंक जाना है, एक आध तो काम करवाने हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे। सो यस गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं रजिस्ट्री जो सेंटर है वहां पे, बट अभी साइन वाइन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड। चाबी मिली है, सो मिलेगी, मतलब लेने जा रहे हैं। हे गाइस, सो वी गॉट द कीज, यिप्पी। और एक जो की है वो भैया के पास ही है, जो यहाँ के बिल्डर है उनके पास, क्योंकि अभी उसमें
दो तीन और कुछ कुछ काम होने हैं किचन का, हम लोगों को काम करवाना है बिकॉज अभी हम लोग उसमें मूव इन नहीं हो रहे हैं. अभी फिलहाल वो टेनेंट्स के पास जाने वाला है, तो जैसे हमारा किचन बेसिक बना हुआ है वैसा हम लोगों को बनवाना है, तो उन सब के लिए की उनके पास रहेगी अभी. एंड यस, वी गॉट द कीज, एक्साइटेड. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Hello guys, this is our Bruchi villa. Yeah. Huh? Yeah. मेरा सिर्फ वी रखा, बाकी पूरा इसने अपना नाम चिपका लिया. तो विक्की, दिस इज आवर क्यूट, हमारे लिए तो विक्की है भाई, स्मॉल नहीं बोलूंगी मैं इसको, जो है उसमें नहीं वो नहीं बोलेगा, जो है उसमें वी आर वेरी वेरी हैप्पी. सो दिस इज आवर फर्स्ट होम टुगेदर एंड इसका नाम रखेंगे रुचि विला. तो यस, दिस इज द होम. आज हम लोग, आज हमारी फर्स्ट पूजा होने वाली है इस घर में, तो हम सब सामान फटाफट लेकर के आ गए हैं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं, तो वो काम करती हूँ. और यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोगों ने एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करवा ली थी, बिकॉज़ मतलब कुछ भी शुभ काम करने से पहले भी मैं तो पूजा करती हूँ, और मैंने सोचा पंडित जी को बुला लिया जाए, बिकॉज़ यू नो खुद से करने से ज़्यादा बेटर है कि वो रहेंगे. बहुत बेसिक हुआ है, एंड साथ में सिर्फ हम दोनों थे, एंड साथ में ये सुनील भैया और निशा यही लोग थे, बस हम चारों ही थे. और क्योंकि हमको निकलना था जस्ट दो दिन बाद, तो फटाफट से हम लोगों ने पूजा वूजा करवाई, एंड ताकि एक बस वो शुभ सा वो चीज़ हो जाए. और पास में आगे तो एक फोटो निकालने सर की अभी अच्छी लगी. हाँ, मास्क निकाल लीजिए. चलिए हो चुकी है. बहुत हम लोग बिजी थे क्योंकि हम दो थे, तो बहुत अच्छे से शूट नहीं हुआ सब कुछ, बट ये अभी सिनेरियो है. कैसा लग रहा है अपने खुद के घर में सोने में? सो यस, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ. वैसे कुछ व्यू नहीं है बाहर का, बट फिर भी दिखाती हूँ.
सी गाइस, एक्चुअली कुछ व्यू नहीं है, सिर्फ ये बिल्डिंग है और बाकी दूर दूर से, मतलब व्यू बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का, यार खुद का घर है तो अब ये बेस्ट है. So yes, that's it for the video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. Milti hu aapko mere next video mein. Till then, bye. Acha ha, iske aage ka jo process hone wala hai, wo next videos mein bataungi. Ye wale video khatam ho gaye hain. Ab next, what next? Wo aapko jaldi hi pata chalega mere upcoming vlogs mein. To dekhte rahiyega ki kya hone wala hai. And see you in my next video. Till then, bye.